सिल्क रोड फ्रॉम एंशियट टू मॉडर्न वेलकम टू स्टडी आई क्यू मेरा नाम है आदेश सिंह आज हम बात करने वाले हैं सिल्क रोड की जो एंशियंट एरा का वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट हुआ करता था इसका नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा क्योंकि फोर्थ सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी तक यहां ट्रेड होने वाला मेन आइटम सिल्क था लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बाकी गुड्स के ट्रेड के लिए भी हुआ इसके थ्रू होने वाले ट्रेड का स्केल और स्पीड दोनों ही इतना ज्यादा था कि ट्वेंटी सेंचुरी में भी इस रूट को डोमिनेट करना एक इंपॉर्टेंट जियो पोलिटिकल एस्पिरेशन है आज हम जब इनोवेशन और ट्रेड की बात करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन हमें सबसे पहले नजर आते हैं लेकिन सिल्क रोड शायद इस वेस्टर्न हेजेमनी या डोमिनेंस को चैलेंज कर सके ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ल्स सी मैन कहते हैं कि एशिया में हुए कई इनोवेशंस जैसे पेपर गन पाउडर स्टिरप और मोल्ड बोर्ड प्लाव की वजह से ही यूरोप में बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और ये टेक्नोलॉजीज सिल्क रोड से ही यूरोप पहुंची थी ये वो दौर था जब शायद ईस्ट वेस्ट से काफी ज्यादा डेवलप्ड और इनोवेटिव था विनेशियन ट्रेवलर मार्कोपोलो जिन्होंने सिल्क रोड के थ्रू 1271 से 1295 के बीच ट्रैवल किया वो कहते हैं कि उन्होंने जो ईस्ट में देखा उसका आधा भी वो बता नहीं सकते क्योंकि वो जानते थे कि उनका कोई विश्वास ही नहीं करेगा खैर सिल्क रोड को कंट्रोल करने वाली पावर्स ज्यादातर ईस्टर्न पावर्स ही रहीं और आज भी ये ईस्टर्न वर्ल्ड के राइज का एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिंबल है सिल्क रोड की इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसके थ्रू हम चाइना की फ्लैगशिप स्कीम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी समझ सकते हैं तो चलिए पहले हम इस सिल्क रोड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं वॉट इज सिल्क रोड सिल्क रोड एक नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स है जो ईस्ट एंड वेस्ट को आपस में कनेक्ट करता है सिल्क रोड में लैंड और सी रूट्स दोनों आते हैं जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया पर्शिया अरेबियन पेनिंसिला ईस्ट अफ्रीका और सदर्न यूरोप से कनेक्ट करता है इस सिल्क रोड में कई एंशियंट सिटीज लोकेटेड थी जो यहां हो रहे ट्रेड की वजह से काफी प्रॉस्परस भी थी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे उजबेकिस्तान में लोकेटेड समरकंद और बुखारा समरकंद तो सेंट्रल एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज में था 1365 में तेमूर ने समरकंद को अपना कैपिटल भी बनाया था इसकी इंपॉर्टेंस के चलते ही 1494 से 1512 के बीच मुगल एम्परर बाबर ने कई बार इसे कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन सिर्फ ब्रीफली ही कंट्रोल कर पाए साथ ही साउथ में ये सिल्क रोड उत्तरपथ या ग्रेट ट्रंक रोड से भी कनेक्टेड था काबुल के थ्रू चाइना की मेजर सिटीज जैसे बेजिंग और शंघाई भी इससे कनेक्टेड थीं जो शायद इसके ईस्टर्न एंड पॉइंट्स भी थे वेस्ट में टर्की का कॉन्स्टेंटिनोपल या मॉडर्न डे इस्तानबुल शहर इस सिल्क रोड का मेजर चोक पॉइंट था इसीलिए 1453 में जब ऑटमेंस ने इसे कैप्चर किया तो यह वर्ल्ड हिस्ट्री का वाटरशेड इवेंट बना और यूरोपियन पावर्स ने ऑल्टरनेटिव रूट्स की जद्दोजहद शुरू की खैर सिल्क रोड एक जर्मन टर्म से डिराइव्ड है जिसे 1877 में फर्डिनेंड वॉन रिह्टो नाम के जर्मन ट्रैवलर और जियोग्राफर ने शायद सबसे पहले पॉपुलराइज किया उन्होंने चाइना का सात बार दौरा किया था सेकेंड सेंचुरी बीसी और एटीनथ सेंचुरी के बीच सिल्क रोड ने कई देशों के बीच इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरैक्शन को प्रमोट किया सिल्क रोड ने आइडियाज के एक्सचेंज को भी प्रमोट किया पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इसीलिए यह कल्चरल ट्रेड रूट भी था इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के चलते 2014 में यूनेस्को ने सिल्क रोड के चैंगान त्यानशान कॉरिडोर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया अब हम बात करते हैं उन डेवलपमेंट्स की जो सिल्क रोड की प्रिकर्सर्स थी और उस समय की ट्रेड को फैसिलिटेट करती थी हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड प्रिकर्सर टू सिल्क रोड सिल्क रोड के कमीशन होने से पहले भी ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रहा था सेंट्रल यूरेशिया हमेशा से अपने हॉर्स ब्रीडिंग के लिए फेमस था इसका ट्रेड सिल्क रोड से भी पुराना है जो स्टेप रूट से किया जाता था स्टेप रूट ईस्टर्न यूरोप में डेन्यूब रिवर से शुरू होकर उसे नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के थ्रू पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता था स्टेप रीजन एक लार्ज एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसके नॉर्थ में साइबेरियन फॉरेस्ट्स और साउथ में डेजर्ट्स हैं इन दोनों हार्श क्लाइमेट्स के बीच ये ग्रासलैंड्स ट्रेडर्स के लिए एक नेचुरल पैसेज बने चाइनीज सॉइल में सिलीनियम की डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से चाइनीज हॉर्सेज में मस्कुलर वीकनेस देखी जाती थी इसको ओवरकम करने के लिए चाइना भी इस हॉर्स ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था हॉर्सेस के अलावा सेंट्रल एशिया से गोल्ड को भी चाइना में इंपोर्ट किया जाता था चाइनीज जेड इंडस्ट्री के लिए इसलिए चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है चाइना का ट्रेड मिडल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी होता था एंशेंट इजिप्ट से 1017 थाउजेंड के चाइनीज सिल्क के कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं जर्मनी मंगोलिया और ब्लैक सी के रीजन में कई बैरियल साइट मिले हैं जहां हमें चाइनीज़ सिल्क मिला है वेस्ट एशिया की बात करें तो 475 सेवेंटी फाइव तक पर्शियन एम्पायर के रॉयल रोड की लेंथ 2,857 थाउजेंड किलोमीटर्स हो गई थी और ये ईरान को टर्की और ग्रीस के कोस्ट पे लोकेटेड ईजियन सी को कनेक्ट करता था अलेक्जेंडर के मैसेडोनियन एम्पायर ने 329 ट्वेंटी में ग्रीक कल्चर को सेंट्रल एशिया में इंट्रोड्यूस किया अलेक्जेंडर के बाद इस रीजन में कई ग्रेको बैक्ट्रियंस किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ जिसमें इंडो ग्रीक्स भी इंक्लूडेड हैं इन्होंने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया जो चाइना के टाक्लामकान डेजर्ट तक पहुंच गया इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न वर्ल्ड का आपस में और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशन सिल्क रोड से भी पुराना है एंशियंट वर्ल्ड के इन्हीं किंगडम्स ने ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट प्रोमोट किए जिसने सिल्क रोड का फाउंडेशन क्रिएट किया आने वाले समय में यही ट्रेड रूट्स जो चाइना को यूरेशिया इंडियन पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला और मेडिटेरेनियन तक कनेक्ट करती हैं वो सिल्क रोड का फॉर्म लेंगी अब हम बात करते हैं कि सिल्क रोड कैसे शुरू हुआ बाद शुरुआत की ओरिजिन 130 थर्टी बीसी में हान डायनेस्टी और उनके एम्बेसडर जांग चियान के रेकमेंडेशंस पर सिल्क रोड को इनिशिएट किया गया यांग चियान ने जब फगाना और ट्रांसऑक्सियाना यानी मॉडर्न डिसेंट्रल एशिया को विजिट किया तो उन्हें इस रीजन में चाइनीज ट्रेड और इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने का ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिक रीजन मिल गया हान डायनेस्टी ने वॉर ऑफ द हेवनली हॉर्सेस को जीतकर अपना प्रेजेंस सेंट्रल एशिया के फरगाना वैली में स्टैब्लिश कर दिया जिससे उनके सिल्क रोड के प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिला क्लियरली इस वॉर का एक मोटिव सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस को सेंट्रल एशिया से एक्वायर करना भी था इन हॉर्सेस की क्वालिटी इतनी सुपीरियर थी कि चाइनीज इन्हें हेवनली हॉर्सेस कहा करते थे इन हॉर्सेज की वजह से चाइनीज मिलिट्री में काफी मोबिलिटी आ गई फर्स्ट सेंचुरी में मैरीटाइम सिल्क रूट भी ओपन किया गया यह रूट मॉडर्न डे वियतनाम से शुरू हुआ जो उस समय चाइनीज कंट्रोल में था मैरीटाइम रूट इंडिया और श्रीलंका से होते हुए रेड सी और रोमन एम्पायर तक जाता था इसके बाद सिल्क रोड रोमन एंपायर तक एक्सटेंड हो गया सिल्क चाइना में करेंसी की तरह काम करता था इनफैक्ट चाइना में सोल्जर्स को सिल्क के थ्रू पे किया जाता था सिल्क लाइटवेट होता है और इसे डिफिकल्ट टेरेन में कैरी करना ज्यादा इजी था सोल्जर्स फिर सिल्क के बाटर से जरूरत के बाकी सामान खरीद लेते थे सिल्क रोड पर ज्यादातर ट्रेड फॉरेन ट्रेडर्स कंडक्ट किया करते थे लेकिन इस रोड की सेफ्टी चाइनीज पावर के थ्रू मेंटेन की जाती थी और टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था चलिए अब समझते हैं सिल्क रोड के एवोल्यूशन को एवोल्यूशन सिल्क रोड के एवोल्यूशन की बात करें तो ये कई फेजेज में डिवेलप किया गया बीच में ऐसे भी फेजेज आए जहां सिल्क रोड का ट्रेड रीजनल पावर्स के राइज की वजह से या फिर एक यूनिफाइंग पावर के डिक्लाइन की वजह से कम भी हुआ रोमन एम्पायर ने 30 बीसी में इजिप्ट को कांकर किया जो यूरोप एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करता है इससे इन रीजन्स के बीच ट्रेड और भी बढ़ गया रोमन एम्पायर की वजह से सेंट्रल एशिया के सिल्क रोड को बैरिगाजा और बारबेरिकम के पोर्ट से कनेक्ट किया गया जिसे हम आज गुजरात के भरूच और पाकिस्तान के सिंध और कराची के नाम से जानते हैं इस इंडियन ओशन के ट्रेड रूट को 60 सीई के ग्रीक ट्रैवल गाइड पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी लिखा गया है रोमन एंपायर में चाइनीज सिल्क की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वहां पर स्टेट के द्वारा कई इडिक्ट इश्यू करने पड़े जिसके हिसाब से चाइनीज सिल्क को पहनना ही इमोरल डिक्लेयर कर दिया गया वेस्टर्न रोमन एंपायर के डिक्लाइन के दौरान नॉर्दर्न इंडिया के कुशान एंपायर ने सिल्क रोड को मेंटेन किया और इंडिया सेंट्रल एशिया टाइज को प्रमोट किया इसी दौर में ग्रीक कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है जहां यूनिक इंडो ग्रीक कल्चरल आर्ट जैसे गांधारा आर्ट डिवेलप हुआ चाइनीज सिल्क का क्रेज इस तरह बढ़ चुका था कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने जिसे बिजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं सिल्क को प्रोड्यूस करने के रहस्य को जानने के लिए सिल्क रोड पर स्पाइज भेज दिए इन स्पाइज का, का काम था चाइना से सिल्क वर्म के एग्स को चुराना इसके बाद बिजेंटीन एंपायर सिल्क प्रोड्यूस करने लगा बट चाइनीज सिल्क की क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर रही चाइना की तांग डायनेस्टी ने फिर सेवेंथ सेंचुरी में जाके सिल्क रोड को रिवाइव किया तांग डायनेस्टी के अंदर सिल्क रोड अपने गोल्डन एज में पहुंच गया और मैरिटाइम सिल्क रूट को भी काफी डिवेलप किया गया तांग डायनेस्टी के रूल में चाइना ने पर्शियन गल्फ रेड सी मैसेपोटेमिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपने स्ट्रांग मैरिटाइम प्रेजेंस को बनाया 1207 से 1360 के बीच मंगोल्स का राइज हुआ जिन्होंने एशियन कॉन्टिनेंट में काफ़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की और सिल्क रोड को प्रमोट किया लेकिन थर्टींथ सेंचुरी में मंगोल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद एशिया में बनी हुई पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक यूनिटी काफी वीक हो गई सिल्क रूट को मेंटेन करने वाला यूनिफाइंग पावर खत्म हो गया कई स्मॉल पावर्स और किंगडम्स का राइज हुआ जिन्होंने छोटे छोटे रीजन्स में अपने पावर को कंसोलिडेट कर लिया इसकी वजह से सिल्क रोड पे होने वाले ओपन ट्रेड को काफी नुकसान हुआ और इवेंचुअली सिल्क रोड डिसइंटीग्रेट हो गया आइए अब देखते हैं सिल्क रोड से रिलेटेड इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन साइट्स के बारे में सिल्क रोड साइट्स इन इंडिया इंडिया में 12 ऐसी साइट्स हैं जो सिल्क रोड ट्रेड में एक क्रूशल रोल प्ले करती थी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंद्रप्रस्थ श्रावस्ती कौशाम्बी कुशीनगर वैशाली विक्रमशिला अरिकमेडू कावेरी और नाला सुपारा फिलहाल ये साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में है चलिए बात करते हैं न्यू सिल्क रोड की न्यू सिल्क रोड सुएज कैनाल के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से एशिया और यूरोप का ट्रेड फिर से एक्टिव हो गया बट ट्वेंटियथ सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर की वजह से सिल्क रोड के थ्रू होने वाले ट्रेड को कई बार ब्लॉक किया गया फाइनली नाइनटीन में चाइना की ग्रोथ के साथ ही सिल्क रोड रिवाइव हुआ चाइना ने अपना एंगेजमेंट सेंट्रल एशिया सेंट्रल यूरोप और अफ्रीका से बढ़ाने के लिए सिल्क रोड के पुराने ट्रेड रूट्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश शुरू कर दी कुछ सालों में ही वर्ल्ड का 40 परसेंट ट्रेड फिर से सिल्क रोड के थ्रू होने लगा पर्टिकुलरली उसके मैरिटाइम रूट्स के थ्रू इस ऑपरचुनिटी को फुली यूज करने के लिए चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2013 में लॉन्च किया इस इनिशिएटिव के दो पार्ट्स हैं एक लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और एक ट्वेंटी सेंचुरी मैरिटाइम सिल्क रोड चाइना ने अफ्रीका में काफी विगरसली इन्वेस्ट किया है ताकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट किया जा सके ईस्ट अफ्रीका को चाइना से कनेक्ट किया जाएगा और नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका को सदर्न यूरोप से मैरीटाइम सिल्क रोड में कई डीप वाटर पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें रेलवे और रोड्स के थ्रू हिंटलैंड से कनेक्ट किया जा सकेगा आज मैरीटाइम सिल्क रोड पे वर्ल्ड के आधे से ज्यादा शिपिंग कंटेनर्स ट्रैवल करते हैं मैरिटाइम सिल्क रोड चाइनीज कोस्ट को ईस्ट में हैनोई जकार्ता सिंगापोर क्वालमपुर कोलंबो और माले जैसे मेजर सिटीज से कनेक्ट करता है और वेस्ट में जिबूती रेड सी और सुज कैनाल के थ्रू हाइफा इस्तानबुल एथेंस इटली और एड्रियाटिक सी से भी कनेक्ट करता है वहां से रेल कनेक्शन के थ्रू सेंट्रल यूरोप एंड नॉर्थ सी के पास पोलैंड जैसी कंट्रीज को भी मैरिटाइम सिल्क रोड का पार्ट बनाया जा रहा है एक रेलवे नेटवर्क है जो चाइना रशिया मंगोलिया और कजाकस्तान को कनेक्ट करता है इसे यूरेशियन लैंड ब्रिज कहा जाता है और आजकल इसे न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं इस रूट से चाइनीज सिटी उरुमकी को कजाकस्तान के अल्माटी और नूर सुल्तान से जोड़ा जा रहा है इसे यूरोप की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश चल रही है इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ट्रांस यूरेशिया लॉजिस्टिक्स एक ज्वाइंट वेंचर है जो जर्मनी रशिया और चाइना की कंपनीज़ ने साइन किया है इसके अंदर चाइना को जर्मनी और बेलारूस और पोलैंड से कनेक्ट किया जाएगा अब समझते हैं कि न्यू और ओल्ड सिल्क रोड में क्या अंतर है कंपैरिजन न्यू वर्सेस ओल्ड वैसे तो न्यू सिल्क रोड बेसिकली ओल्ड सिल्क रोड और उसके ट्रेड रूट्स को रिवाइव करने की कोशिश है लेकिन यह माना जाता है कि न्यू सिल्क रोड ओल्ड सिल्क रोड से दो प्राइमरी रीजंस की वजह से अलग है पहला रीजन यह है कि ओल्ड सिल्क रोड भले ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेड और कल्चरल रूट रहा हो बट एंशियंट एरा में इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कम था इन कॉन्ट्रास्ट न्यू सिल्क रूट चाइना के ग्लोबल पावर बनने के एम्बिशंस को बढ़ावा देने का एक पॉलिटिकल टूल है साथ में यूएसए की पॉलिसीज सच एज पिविट टू एशिया को काउंटर करने का भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल है न्यू सिल्क रूट एक और सेंस में डिफरेंट है न्यू सिल्क रोड का जियोग्राफिक स्प्रेड ओल्ड सिल्क रोड से काफी ज्यादा है न्यू सिल्क रोड अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी टच करने की कोशिश कर रहा है अफ्रीका में यह सिर्फ केनिया के पोर्ट मोम्बासा से ही नहीं गुजरता बट चाइना इस पोर्ट को केनिया की कैपिटल नायरोबी से भी रेल रोड के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है साथ ही इस न्यू सिल्क रूट को चाइना आर्कटिक तक फैलाने की कोशिश में है जिसे हम नॉर्दर्न सी रूट बोलते हैं तो यह थी कहानी सिल्क रूट की अब हम अंत में बात करते हैं इसकी लेगेसी की लेगेसी दोस्तों अगर ब्रॉडर परस्पेक्टिव में देखा जाए तो सिल्क रोड पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड के ऑन्ट्रप्रनोरियल स्पिरिट और इनोवेशन का एक सिंबल है इसका रिवाइवल हमारे एज ओल्ड ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स का एक सेलिब्रेशन भी है वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज करते हुए सिल्क रोड ईस्टर्न वर्ल्ड के उन कई अजूबों में से एक है जो हमारे लिए प्राइड और सेल्फ असर्शन का एक सिंबल बन सकता है पर आज के दिन में सिल्क रोड को चाइनीज पावर खुद हेज़मनाइज़ करने की कोशिश कर रही है यानी इसे एक पर्टिकुलर कंट्री का सिंबल बनाया जा रहा है इस रूट के एंशियंट एरा के कई इक्वल स्टेक होल्डर्स जैसे साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया आज चाइना के न्यू इंपीरियलिस्ट एंबिशंस का शिकार बन रहे हैं इस कल्चरल सिंबल की ट्रू स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया है इंडिया और एशिया अब चाइना के इस नए रीजनल चैलेंज से कैसे डील करेंगे ये तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जियो मुद्दा बनने जा रहा है ऐसे में सिल्क रोड का सही इतिहास और इसके ट्रू कल्चरल स्पिरिट को जानना बेहद जरूरी हो गया है आप क्या सोचते हैं सिल्क रोड के बारे में हमसे जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में